दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हत्याओं के मामले में देश के तमाम राज्यों के जजों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है और सवाल पूछा है कि आखिरकार आप इतने संगीन हत्याओं के मामले में भी मुखदर्शक क्यों बने हुए हैं। आपकी जवाबदेही की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं और अगर आप फैसला सख्त लेंगे तो इसकी तस्वीरें बदल सकती हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों के जजों से ये सवाल पूछा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल खड़े कर देती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो संविधान की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है, क्योंकि कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, किसी का भी एनकाउंटर कर दिया जा रहा है और जब उसे डिफेंड निचली अदालत में किया जा रहा है तो जज क्यों मुखदर्शक इन मामलों पर बने हुए हैं, इस पर सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे अतीक अशरफ का मामला आया, उत्तर प्रदेश में तमाम एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर पहुंच चुका है, तो वहीं गुजरात सरकार ने भी किस तरीके से हत्यारों को रिहा किया और फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत हुआ, ये तस्वीर भी कोई भूला नहीं है, क्योंकि यहां निचली अदालतों की लापरवाही और उनका मुखदर्शक बनना कई सारे सवाल खड़े करता है, जिसे सीजीआई ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। और सीजीआई ने क्या कुछ तमाम मामलों पर कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई तिलक मार्क सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पूरे देश की सर्वोच्च अदालत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बातें उड़ीसा में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राज्य के दक्षिण और पश्चिमी भागों में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग के बीच कही। इसके साथ ही सीजीआई ने दिवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि तकनीकी ने हाईकोर्ट की पीठों की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब हर जिले में एक वर्चुअल कोर्ट है, जो कि सीजीआई चंद्रचूड़ कटक में स्थित उड़ीसा न्यायिक अकादमी में डिजिटाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट्स और ई पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने उड़ीसा के 30 में से 20 जिलों में ई कोर्ट स्थापित करने के हाईकोर्ट प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि जिलों में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना ने उड़ीसा हाई कोर्ट को पूरे राज्य का सही मायने में प्रतिनिधि होने में सक्षम बनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे ये भी कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, जो देश के लिए और देश के द्वारा है। इसी तरह हर हाई कोर्ट वास्तव में राज्य की महानगरीय राजधानी का हाई कोर्ट नहीं है। विभिन्न हाई कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र करते हुए जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन सुनवाइयों की कई मजाकिया क्लिप्स YouTube पर मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू है, ये जज के रूप में हमसे नई अपेक्षाएं रखता है। उन्होंने कहा कि हर शब्द जो हम अदालत में कहते हैं वे सोशल मीडिया के युग में सार्वजनिक दायरे में हैं। ऐसे में जज के तौर पर हमें प्रशिक्षित होने की जरूरत है और अपने वर्डों को चुन करके बोलने की जरूरत है। जहां सीजीआई ने यह भी कहा कि कोर्ट में जो कुछ भी होता है वो बहुत ही गंभीर बात है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल के दौरान जज को मुखदर्शक नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें समय समय पर महत्वपूर्ण सवाल जरूर करना चाहिए। जैसे हत्या के मामले में आरोपी की सजा खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यवस्था दी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि मामले में लास्ट सीन एविडेंस और परिस्थिति जनक साक्ष्य की कड़ी नहीं जुड़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मामले में ट्रायल चल रहा हो तो ट्रायल जज की ड्यूटी है कि वे सच्चाई को सामने लाने के लिए महत्वपूर्ण सवाल पूछे। ट्रायल जज को मुखदर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में जज को यह अधिकार है कि वे ट्रायल के दौरान सवाल करे। ट्रायल जज को सुनवाई के दौरान तमाम अधिकार दिए गए हैं। वे सवाल पूछ सकते हैं, किसी गवाह से किसी भी समय सवाल कर सकते हैं। बल्कि वास्तविकता यह है कि ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी है कि वे सवाल करें, और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं निकल सकता। ट्रायल का मकसद ही यही है कि सच्चाई सामने आए, पर आप मुखदर्शक बन जाएंगे तो कहां से सच्चाई सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में शामिल होना चाहिए और वे एक्टिव तरीके से एक्ट करें और महत्वपूर्ण सवाल जो हो सकते हैं वे पूछें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा केस में अभियोजन पक्ष केस को बिना संदेह साबित करने में विफल रहा है। दरअसल परिस्थिति जिन्हें साक्ष्य पर आधारित केस में साक्ष्यों की कड़ी और लास्ट सीन एविडेंस यानी कि मृतक के साथ आखिरी बार किसे और किसने देखा, यह सबसे अहम सवाल है। कोर्ट ने कहा कि लास्ट सीन एविडेंस और मौत के समय में काफी अंतर है। जो भी साक्ष्य हैं वे सजा के लिए काफी नहीं है। ये मामला हरियाणा में किडनैपिंग और मर्डर का है। ट्रायल कोर्ट ने 31 मई 2017 को आरोपी दिनेश कुमार को हत्या मामले में उम्र कैद की सजा दी थी, बल्कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। आरोपी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा खारिज कर दी और यह भी कहा कि आरोपी को रिलीज किया जाए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब इस तरीके के फैसले हथियारों को लेकर के निचली अदालत द्वारा दिए जा रहे हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए न राज्य सरकार से कोई सवाल पूछा, न ही पुलिस प्रशासन से इस पर जवाबदेही मांगी। सीधा सवाल पूछा उन जजों से जो इस तरीके के फैसले लेते हैं और उनके फैसलों की वजह से हत्यारों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कड़ा संज्ञान लिया गया है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।